क्वेश्चन नंबर 15, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोटेक्ट टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज. ठीक है, देखो भाई, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, मतलब अर्थ है ये, और यहां पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास एम है. अर्थ का मास को एम मान लेते हैं. अब बोला है इसको मैं कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करूं. काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा हुआ है, ना ही स्पीड पूछा हुआ है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डायरेक्शन में फेंको. क्या बोला है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंकेंगे कि ये अर्थ के सरफेस को मतलब ये अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक चले जाएगा. इन्फिनिटी के जाने का मतलब ये होता है कि अर्थ से बहुत दूर चले जाएगा, बस एक ही मतलब होता है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा वहां पर. तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे भाई, खूब ज्यादा एनर्जी से फेंक दोगे अगर तब तो चले ही जाएगा, लाइट की स्पीड से फेंक दो भाई, चले ही जाएगा. लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझना है कि इट इज टॉकिंग अबाउट द मिनिमम एनर्जी नीडेड, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी. अब यदि मैं इसको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंकता हूँ तो इन्फिनिटी पे जाके हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये बात पहुंच गए इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी पे अपन एक्सपेक्ट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, यानी कि जस्ट पहुंच जाए इन्फिनिटी पे, चाहे वो जीरो वेलोसिटी के साथ ही पहुंच जाए, बस पहुंच जाए. मिनिमम कंडीशन ये होती है. तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी में क्या होती है, जीरो होती है. अब शुरू में, अब यहां पर केवल और केवल ग्रेविटी लग रही तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है. तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. फाइनल काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो. हैंस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, सेंटर टू सेंटर दूरी ये है, यानी कि आर, तो माइनस जी एम जी बाय ओह सॉरी माइनस जी एम एम बाय आर इज इक्वल टू जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जी एम एम बाय आर. अक्सर आंसर में तो स्मॉल जी दिया हुआ है, क्या करें, तो भाई रिलेटेड है ना, यहाँ आर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आर मल्टीप्लाई कर दो. अब ये जी एम बाय आर का स्क्वायर क्या है, ये है स्मॉल जी, तो ये हो गया जी एम आर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, कैसे मतलब कुछ लोग, मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग ये करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच लिख देते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. यहाँ पर अपन वो सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे, जहां पर अपन रेफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस अर्थ के सरफेस को मानते थे. नहीं, अपन ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर पार्टिकल बहुत दूर जाता है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस इन्फिनिटी पे मानते हैं. ठीक है, तो रेफरेंस अगर बदल गया तो पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में रिलेटेड है, दिख रहा है साफ साफ. एक मिनट, नहीं कुछ नहीं, ये लास्ट वाली बात को भूल जाओ, आंसर आ गया बस. नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है. हाँ नहीं, ठीक है, रेफरेंस कहीं और भी मान लोगे ना तो भी आंसर तो सेम ही आएगा. कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, बट उससे क्या होगा कि रेफरेंस अगर तुम लोग यहाँ पर मान लोगे अर्थ के सरफेस पे, तो इन्फिनिटी पे फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, है ना, नॉन जीरो पोटेंशियल होगा, क्यों मेहनत करोगे इतना. ठीक है, तो इसका आंसर आ गया